हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी जिस चीज़ का आज सुबह से वेट कर रहे हैं कि सर जेके बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में आज किस तरह के क्वेश्चन आए, किस तरह का डिफ़िकल्टी लेवल रहा, कितने अटेम्प्ट्स हायर गए, कितने बच्चों ने हाईएस्ट स्कोर किया, कितना किस सेक्शन में डिफ़िकल्टी लेवल कम था, किस सेक्शन में कौन सा टॉपिक आया, ये सारे क्वेश्चन जो आपके हम मॉर्निंग से हमें भेज रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कोशिश करी हमने कि अब एक वीडियो के माध्यम से आपको इन डेप्थ इसका पूरा एनालिसिस दिया जाए। तो ओवरऑल अगर आज मैं बात करूं, इस वीडियो के एंड तक हम बात करने वाले हैं आज जेके बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रीलिम एग्जाम जिसका आप कब से वेट कर रहे हैं, जिसने भी अप्लाई किया था, आज 25 नवंबर 2020 से एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं, आने वाले जितने भी आगे दिनों में आप में से जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, आप सबके लिए ये एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एग्जाम का लेवल क्या था, क्योंकि ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपका कट ऑफ भी यही डिसाइड करती है, आपके अटेम्प्ट्स भी यही डिसाइड करती है। तो आपका जो एग्जाम का लेवल था, आपका एग्जाम का जो ओवरऑल लेवल रहा वो रहा आपका मॉडरेट। मॉडरेट मींस कि आपके जो अटेम्प्ट्स रहेंगे तो अराउंड 65-70 प्लस, जो एक एवरेज स्टूडेंट मार्क्स अगर मैं आपको बोलूं, काफ़ी सारे बच्चों का अच्छा प्रिपरेशन होता है, काफ़ी सारे बच्चे 40 क्वेश्चन करके आए हैं, कुछ 50 करके आए हैं, कुछ 70 करके आए हैं, कुछ 60 करके आए हैं। तो मैं मॉडरेट लेवल से मेरा ये मतलब है कि प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करने के लिए क्या स्कोर सही रहेगा और किस तरह के अटेम्प्ट्स बच्चों के रहे। तो चलिए अब टॉपिक्स पर नज़र लगाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे अगर आप देख रहे होंगे, पूरा एग्जाम एनालिसिस हमने पीडीएफ फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। सबसे पहले गाइस बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की, कि इंग्लिश सेक्शन जो थी आपकी, इसके जो इजीली अटेम्प्ट्स थे, इंग्लिश सेक्शन आज की सबसे इजी सेक्शन थी। पहले मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ, उसके बाद मैं टॉपिक्स आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो एवरेज अगर आप देखें 22-25 अटेम्प्ट्स इंग्लिश में आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, एंड इंग्लिश वाज वेरी मच इजी, मतलब आप देख के क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, उस तरह के आपके कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करते हैं आपका क्वांट सेक्शन, मैथ्स, जिसके बारे में कि जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा डरे होते हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें तो इसका जो लेवल रहा बेसिकली, इस बार थोड़ा सा डिफरेंस ये देखने को मिला, मैथ्स ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल आया था मैथ्स में। तो मैथ्स के जो एक अगर हम कहें अच्छा जो स्कोर रहेगा, या अटेम्प्ट्स, मैं स्कोर नहीं कहूँगा, मैं अटेम्प्ट्स की बात करूँगा, तो जो एवरेज अटेम्प्ट्स रहते हैं आप सभी जानते हैं अराउंड 20-27 अटेम्प्ट्स, मतलब ये अटेम्प्ट्स इस तरह के थे, अगर आपने अरिथमेटिक बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ा, आप इजिली इतने नंबर मज़े से ले सकते हैं, 25-24 अटेम्प्ट्स इस तरह का रहता है, हर एक का डिफरेंट रहता है जिस तरह की आपकी प्रिपरेशन हो। और अगर हम बात करें रीजनिंग सेक्शन की, इसको आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं। गाइस देखो क्या होता है, हर एग्जाम में हर सेक्शन आसान नहीं होती, हर सेक्शन मुश्किल नहीं होती, एक बैलेंस पेपर होता है। कभी कभी हो सकता है इंग्लिश मुश्किल डाल दी जाए, कभी हो सकता है मैथ्स मुश्किल डाल दिया जाए, कभी हो सकता है रीजनिंग मुश्किल डाल दी जाए। मुश्किल का मतलब ये नहीं होता कि हमसे क्वेश्चन ही निकलेगा, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स की लैंग्वेज में मुश्किल का मतलब है जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगे। तो आज अगर ओवरऑल देखें कि कौन सी सेक्शन ऐसी थी जिसमें हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन रहा, तो दैट वॉज योर रीजनिंग एज पर द अपडेट्स बाय अवर स्टूडेंट्स। तो रीजनिंग के अटेम्प्ट्स अगर मैं कहूँ, क्योंकि रीजनिंग ही आपकी ऐसी सेक्शन है जो आपका फाइनल स्कोर अगर आप कहें मेरिट बनाती है, तो रीजनिंग में यू कैन एक्सपेक्ट कि 25 प्लस तो मिनिमम होना चाहिए आपका। क्यों? क्योंकि इसमें तीन आपकी पजल्स थी, सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें बोलते हैं, उसमें इजी भी थे, उसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी थे जो कि इजीली डूएबल है। तो टॉपिक्स पे हम बाद में चलेंगे। तो एक ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ कि अटेम्प्ट्स कहाँ तक आपके होने चाहिए थे, राइट, एक एवरेज अगर मैं बोलूँ कि इतने तो होने ही चाहिए थे, है ना, तो ये आपके सामने मैंने लिखे हैं। अब हम सीधा शिफ्ट करने वाले हैं हमारे जो आज के टॉपिक्स पूछे गए हैं, तो आपकी पूरी स्क्रीन पे आप देख पाएंगे अच्छे से, जो हम पीडीएफ का स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे और हर एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो गाइस जिस जिस का भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, कल परसों या व्हाटएवर जब भी आपकी एग्जाम डेट है, आज का जो एनालिसिस है कोई गारंटी नहीं है कि पेपर में यही सेम क्वेश्चन आए, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक
आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि अगर इस पेपर में कोई एक टॉपिक नहीं आया तो आपके डे जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन नहीं आएगा, ये गलती मत करिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो आज एनालिसिस है सिर्फ इसी को रिवाइज करके चले जाएंगे और जो टॉपिक आपने आज नहीं पूछा एग्जाम में वो हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए। तो ऐसा कोई श्योरिटी नहीं या गारंटी नहीं होता कि यही टॉपिक आपको पेपर में आना है, इसका ध्यान रखिएगा। जस्ट एक एनालिसिस है आज पेपर में किस तरह क्वेश्चन आए हैं, आपके पेपर में भी इस तरह का डिफिकल्टी लेवल या टॉपिक रह सकता है, पढ़ के आपको सारा ही जाना पड़ेगा जो भी प्रीलिम्स का सिलेबस होता है। और मैक्सिमम क्वेश्चन और टॉपिक हमारी ऑफलाइन क्लासेस में जेके बैंक के बैच की अगर हम बात करें पीओ के या ऑनलाइन क्लासेस में हर एक चीज कवर की हुई है। प्लस अब जो फ्रेश बैचेस जेके बैंक एसोसिएट के स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए यू हैव टाइम 52-55 डेज के आसपास, आप मान के चलो जनवरी में लेके अगर चलें तो उसके लिए इस बार आप गलती मत करें, पहले से ही तैयारी शुरू रखें, क्योंकि इस बार एग्जाम डेट 20 दिन पहले आई है। तो 20 दिन के हिसाब से अगर लेके चलें, आपकी काफ़ी बच्चे कहते हैं सर हमारी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी, तो कोई टेंशन नहीं है, इस बार वो गलती अवॉइड करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे रीजनिंग सेक्शन के टॉपिक्स। सबसे पहले जो सिटिंग अरेंजमेंट या पजल जिसको बोला जाता है, आपका बैंकिंग का एग्जाम डिपेंडेंट ही इसी टॉपिक पे है, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स पे, ठीक है। आज चार क्वेश्चंस देखने को मिले 5-5 मार्क्स के, राइट, जो कि एक्सपेक्टेड थे, कोई खास चेंज देखने को नहीं मिला, राइट। फ्लोर बेस्ड पजल्स एज यूजुअल आपको आती हैं, आराम से कर सकते हो। सर्कल इनसाइड आउटसाइड मिक्स क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 6% का एक क्वेश्चन आया था आज, ठीक है। आउट ऑफ दैट एक बॉक्स बेस्ड पजल थी, आपको कुछ बॉक्सेस दिए जाते हैं, 8 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के तीसरे में 2 बॉक्सेस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आप ऑलरेडी करते होंगे प्रैक्टिस। और एक आपकी पजल थी डेज और मीटिंग्स पे बेस्ड, जिसमें ऑड डेज और इवन डेज का कंसेप्ट यूज किया था, राइट। तो अगर आप इसमें से 3 भी निकाल पाए हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, कोई जरूरत नहीं है कि आप चारों ही निकाल के आए। इन फ्यूचर जिसका भी कल परसों पेपर होने वाला है, अगर आपने 3 भी सॉल्व की हैं, और कभी भी एक चीज ध्यान रखिए पेपर में, जब भी आपने पेपर सॉल्व करना होता है आपने ये नहीं देखना कि जो मेरे को डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया है जो मैंने कभी नहीं पढ़ा पहले मैं उसी को हाथ डालूं, ऐसा नहीं करना, उसी को सॉल्व करूं। कोशिश करनी है जो आपने प्रैक्टिस की हो पहले उसी को सॉल्व करें। आपको पता है फ्लोर के क्वेश्चन आप बार बार करते हो, पहले इसी को करना, जल्दी निकलेगा, फिर आप सर्कल पे जा सकते हो, फिर आप कोशिश करें इस पे शिफ्ट करें, राइट। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पकड़ लिया कल परसों जब भी आपका पेपर है और वो आपसे नहीं निकला, फिर आपका जो उस टाइम पे सोचने की थिंकिंग पावर जो है वो आप फिर सारा उसी में ही ध्यान लगा देंगे, आसान क्वेश्चन भी आप अवॉइड कर देंगे। और कभी भी इनको पेपर में जैसे ही आपके सेक्शन स्टार्ट हो कभी भी पहले नहीं करना, इनको लास्ट में रखिए, पहले बाकी टॉपिक्स निपटा दीजिए। अब अगर मैं आगे चलूं, बाकी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस के बाद कोडिंग डिकोडिंग पूछी गई थी आपकी 5 मार्क्स की, जो कि आप शॉर्टकट से करें, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने इनइक्वालिटी के क्वेश्चन शेयर किए थे पिछले प्रीवियस ईयर जेके बैंक के क्वेश्चन के, और सेम उसी टाइप के क्वेश्चन आज पेपर में देखने को मिले हैं, इनइक्वालिटी 5 मार्क्स। तो अगला टॉपिक क्या आया, इनइक्वालिटी 20 और 5 क्वेश्चन आपके 10 नंबर कितने 30। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे 1-2 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, और वर्ड भी मुझे स्टूडेंट्स ने शेयर किया था, ए समथिंग कुछ था, मुझे अभी वर्ड याद नहीं आ रहा, मैं वर्ड भी शेयर करूंगा आपके साथ। और डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे 3-4 क्वेश्चन। तो ये एक टेंटेटिव एनालिसिस है आज की रीजनिंग सेक्शन का, राइट। अब आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मैथ्स सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। गाइज मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वो डिपेंडेंट है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन पे, ठीक है। अगर आप आज का एग्जाम देखें, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से रिपीट किया गया 5 मार्क्स का, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। उसके बाद लाइन ग्राफ DI 5 मार्क्स, टेबल DI 5 मार्क्स, उसके बाद केसलेट जो कि आपका पैराग्राफ बेस्ड भी आप बोलते हो, 3 क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिले, 15 क्वेश्चंस आपके DI के थे। आफ्टर दैट नंबर सीरीज बच्चों ने बताया कि सर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, 5 में से 3 क्वेश्चन आराम से निकल रहे थे, ठीक है, एक आधा हो सकता है ना निकला हो, कोई दिक्कत नहीं है। DI में भी अगर 15 क्वेश्चन है 10-12 आर डूएबल, ऑलवेज डूएबल, जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा लगती है यू कैन अवॉइड दैट, क्योंकि आपको 5 नंबर वाला टॉपिक खींचना होता है, राइट। आगे चलते हैं, आफ्टर दैट जो भी आपका बचा, क्योंकि 15 यहाँ से 10 यहाँ से 25 हो गए, अब जो 10 नंबर आपके बचते हैं दैट इज प्योरली अरिथमेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, उसमें से अगर आपके 10 में से 4 टॉपिक भी अगर आपके अच्छे हैं तो आप आराम से 25 के ऊपर स्कोर कर सकते हैं मैथ सेक्शन में।
चलिए तो गाइस अगली सेक्शन आपके सामने है इंग्लिश। इंग्लिश के सभी टॉपिक्स प्रेडिक्टेबल थे, लेवल भी बहुत इजी लेवल था। अगर आपने इंग्लिश को अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए हों, अगर आपने हमारी एरर डिटेक्शन की वीडियोस देखी हों कुछ दिन पहले जो हमने शेयर की थी, पैरा जंबल रीडिंग कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हम काफ़ी देर से शेयर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल था, लेवल भी सेम था। तो इंग्लिश वॉज द, अगर हम कहें इस बार आपका जो सिलेक्शन करवाने में जिस सेक्शन का बड़ा रोल रहेगा, मैं अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश इसमें सभी के लिए ईजी थी, ये आपकी देखने वाली चीज़ है। इंग्लिश सेक्शन वॉज वेरी मच ईजी, मतलब सभी के इंग्लिश में मिनिमम 24-23 क्वेश्चन का ईजी अटैम्प्ट है, मतलब 23-24 के नीचे अभी तक कोई मिला ही नहीं है कि इंग्लिश हमने इतने किए हों, राइट। तो कहने का बट दैट इज एवरेज डिस्कशन, जितने भी स्टूडेंट्स से बात की हैं, जो भी हमें बच्चे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक्स क्या थे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये आपको 10 मार्क्स का आना ही आना है, जिसमें आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं, एंटोनियम्स सिनोनिम्स एटसेट्रा एटसेट्रा। पैसेज कंप्लीशन 5 मार्क्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट ऑलरेडी इसकी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं 5 मार्क्स, एरर्स मिसलेनियस तो आप लगा के 5 नंबर, क्योंकि 30 मार्क्स की सेक्शन है। अगर आप इसमें से 22-23 प्लस स्कोर करते हैं तो बहुत ही अच्छा ओवरऑल अटेम्प्ट आपका जाता है। तो ये था गाइस आज आपका पूरा ओवरऑल एनालिसिस जेके बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रीलिम एग्जाम का। कोई एक आधा टॉपिक की वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है, तो नेक्स्ट शिफ्ट के जो कैंडिडेट्स हैं, नेक्स्ट जो भी एग्जाम डेट्स हैं आप लोगों की, अभी मैं डिस्कस करूंगा दोनों के लिए, जिनका एग्जाम हो चुका है अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, जिनका होना है उनका क्या टारगेट है। देखिए जिनका एग्जाम हो चुका है कल से ही, आई एम प्रेटी मच श्योर जेके बैंक एसोसिएट का फॉर्म भी आपने भरा होगा, राइट, कल से ही, क्योंकि ये जो पेपर होने वाला है इसका एग्जाम लेवल है इजी, इजी टू मॉडरेट, नॉट मॉडरेट टू डिफिकल्ट। और इसके अटेम्प्ट्स कोई भी हम पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसके अटेम्प्ट्स रहने चाहिए मैक्सिमम, आप जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए करना पड़ेगा। क्यों इसके ज़्यादा फॉर्म क्यों लगे हैं, एप्लीकेशन क्यों है, बिकॉज सिंगल पेपर है, इसी पे आपकी सिलेक्शन बेस्ड है। जेके बैंक का जो पेपर है, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं, अभी मेंस पड़ा हुआ है, असली पेपर आपका मेंस है, राइट। तो कहने का मतलब ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करना पीओ वाले से ज़्यादा मुश्किल है। क्यों, यहाँ पे स्पीड आपको ज़बरदस्त चाहिए, कम से कम भी 1.5 महीना भी अगर आप लेके चलो तो आपको प्रैक्टिस और कंसेप्ट रिवीजन में, स्पीड बनाने में, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में, जहाँ शॉर्टकट लगता है शॉर्टकट लगाने में, जहाँ नहीं लगता उसको कैसे जल्दी करना है। अब आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन का आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बोला जाता है जिसमें टाइम ज़्यादा लगे, राइट। तो अगर पेपर में आप चाहते हैं, यू वॉन्ट टू क्वालिफाई दिस जेके बैंक एसोसिएट एग्जाम, फ्रेश ऑफलाइन बैच वी आर स्टार्टिंग फॉर जेके बैंक एसोसिएट फ्रॉम 28th of November। नंबर आपके सामने हैं, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑपोजिट साइंस कॉलेज किनार रोड जम्मू, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9419145317। आप अगर आउट स्टेशन से हैं, जम्मू से बाहर से आ रहे हैं, कश्मीर रीजन से हैं या जम्मू के बाकी पार्ट से हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आपको हॉस्टल की फैसिलिटी में भी मदद करवा दी जाएगी। लेकिन कोशिश करें जो भी आप डिसाइड करें थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि एग्ज़ाम को आपको भी नहीं पता कि कब होगा, लेकिन टारगेट है कि जनवरी मिड या मिड जैन के बाद हो सकता है, एक्सपेक्टेड, राइट, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अगर इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं मिनिमम 50 डेज आपको चाहिए, 40-50 डेज आपके पास होने चाहिए, फुल सिलेबस कवरेज, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग, हर चीज़ आपकी इसमें इंक्लूडेड है। तो जो भी आप में से इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना चाहते हैं, डायरेक्टली कॉल करें या व्हाट्सएप करें 9419145317 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल करियर सक्सेस जम्मू। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।